दूर नदी काफी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। नदी किनारे ना जाएं, जो भी नदी किनारे रहते हैं। गोर नदी का प्रचंड रूप मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं। रास्ते में लंगूरों का काफी खतरा है, क्योंकि इस तरह का नजारा हमारे क्षेत्र का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन और एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हुए मैं जा रहा हूँ अभी दुकान। अभी समय हुआ है सुबह का करीब 7:30 और मैं दिखाऊंगा आपको गोर नदी का प्रचंड रूप। मेरे ठीक इस साइड आप देख सकते हैं, गोर नदी काफी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और इसका जो जल है दोस्तों काफी मटमैला है। ऊपर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा है, इसकी वजह से जो है मलबा पूरा नदी में बहते हुए नीचे को आ रहा है। जो मैंने कल का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उससे भी आज जो है नदी का जल स्तर दोगुना ऊपर आज बह रहा है। फिलहाल मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये है गोरी नदी, खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है और मैं जाऊंगा इसके नज़दीक और मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको गोरी नदी का जल स्तर और भी। फिलहाल आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। रास्ते में लंगूरों का काफ़ी खतरा है, क्योंकि कई सारे लंगूर झुंड बना के चलते हैं। इसमें अकेले आदमी को जो है ये घेर लेंगे और काफ़ी डर का माहौल बना रहता है। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, इतने दूर से ही गोरी नदी का जो प्रचंड रूप आप स्पष्ट देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। दो हज़ार बीस और 2013 की जो आपदा में भय बना हुआ था वही भय फिर से और बन सकता है इस बार, देख सकते हैं आप। सभी लोगों से अनुरोध है कि नदी किनारे ना जाएं, जो भी नदी किनारे रहते हैं, क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है तो इस पर जो है नदी कभी भी और इससे भी उफान में आ सकती है और खतरा बने रहता है, उसके लिए आप नदी किनारे ना जाएँ। फिलहाल मैं चलता हूँ और भी आगे। आज सुबह सुबह काफ़ी लंगूर दिख रहे हैं मुझे, देख सकते हैं आगे। कुछ देर पहले मुझे करीब 50-60 लंगूर दिखे थे फिर से, और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लंगूर, वो भी बड़े बड़े लंगूर यहाँ पर एक झुंड में रहते हैं दोस्तों। इनसे जो है काफ़ी भय बने रहता है, इनके नज़दीक जो है इनको डराने की कोशिश ना कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। और रास्ते में मुझे दिखे दो बार दिख गए लंगूर, इससे पहले जो है काफ़ी लंगूर आगे मिले मुझे, और कुछ बहुत लंगूर यहाँ पर जो है दूसरा झुंड इनका यहाँ पर है और मैं निकल पड़ा हूँ और आगे। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है देख सकते हैं, काफ़ी हरा भरा वातावरण चारों ओर। जय हो कालचिन देवता। तो दगड़ियो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको नदी, गोर नदी का प्रचंड रूप मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं। नदी काफ़ी उफान में है, खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है और नदी अपने साथ जो है पूरा मलबा लेके आ रही है और लकड़ी पत्थर सभी बहा के लेके आ रही है। देख सकते हैं मेरे ठीक सामने नदी का जो रास्ता है दोस्तों वो पूरा फुल हो चुका है और नदी जो है इधर उधर कटान करना शुरू कर दिया है। मेरे ठीक इस साइड देख सकते हैं आप, कुछ इस जगह पर जो है नदी पार को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल मैं चलता हूँ और भी आगे, थोड़ा आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह से गोर नदी का प्रचंड रूप और देख सकते हैं नदी किनारे जो भी भाई लोग रहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि नदी किनारे ना जाएं, मछली पकड़ने या इत्यादि अपने लकड़ी इकट्ठा करने कोई भी काम के सिलसिले में नदी किनारे ना जाएं, अन्यथा जो है आप नदी की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं और आगे, जितना मेरे को दिखा उतना मैंने आप तक शेयर कर दिया। नदी का प्रचंड रूप मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे क्षेत्र का देख सकते हैं। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और लगातार 24 घंटे से हाई अलर्ट दिया गया है और
खतरा काफ़ी रहता है दोस्तों पहाड़ों में ये बरसात के टाइम पे। आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो के माध्यम से पहाड़ों के हालचाल देखे होंगे। मैं मिलता हूँ जल्द आगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।